तो गाइस फाइनली मेरा रिजल्ट आ चुका है और मेरा जो नंबर है वो बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये जो है मैं ब्लॉग बना रहा हूँ बिकॉज आज मेरा रिजल्ट आ सकता है क्लास टेंथ का। हाल ही में मैंने क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, आपने देख ली होगी। आधे घंटे पहले मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था तो मैंने देखा कि CBSE ने क्लास 12th का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ कर दिया है और ऑनलाइन बता रहे हैं कि क्लास 10th का रिज़ल्ट भी 2 बजे तक आ सकता है। सो मैं उस वक्त खाना खा रहा था और मैंने देखा क्लास 10th का रिज़ल्ट भी आने वाला है, क्लास 12th का तो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया, तो मैं एकदम घबरा गया यार कि यार आज रिज़ल्ट आने वाला है और क्या होगा। सो फिर अभी 11:30 बजे और मुझे वेट करना होगा 2 बजे तक अगर रिज़ल्ट आता है तो। अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रिज़ल्ट आता है तो फिर देखते हैं। एग्जाम्स तो बहुत दिन पहले हुए थे लेकिन रिज़ल्ट बहुत लेट आया, सुबह जुलाई का एंड आ गया और अब रिज़ल्ट आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है यार, मतलब डर सा लग रहा है कि क्या होगा रिज़ल्ट मेरा। सो देखते हैं। वैसे मेरे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए लेकिन यार रिज़ल्ट में डर तो लगता है कि रिज़ल्ट कैसा होगा। सो अभी यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स लाइव चल रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि CBSE ने क्लास 12th का रिज़ल्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया, तो क्लास 10th का रिज़ल्ट आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक आ सकता है, अभी पक्का प्रूफ नहीं है कि आएगा या नहीं। पर टाइम हो रहा है 11:30 और अभी 3 घंटे 3 या 2.5 घंटे मुझे वेट करना पड़ेगा, कुछ 2 बजे रिज़ल्ट आएगा। सो देखते हैं क्या होगा, रिज़ल्ट देखते हैं कैसा आएगा। फिलहाल मैं अभी नहा लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि नहाने के बाद थोड़ी मेरी नर्वसनेस ख़त्म हो जाए, घबराहट सी हो रही है ना। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ नहाने के बाद। यार आज तो मौसम भी बहुत बदल रहा है, कभी धूप निकल रही है कभी बादल छा रहे हैं आसमान में, आज मौसम बदल रहा है, सुबह तक बादल थे अब धूप निकल रही है। तो गाइस अभी पौने 12 बज रहे हैं और ये कंफर्म हो चुका है कि CBSE आज 2 बजे क्लास 10th का रिजल्ट रिलीज करने जा रही है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने व्हाट्सएप पर अभी अभी एक फ़ोटो सेंड किया मुझे, आप देख सकते हैं साइड में स्क्रीन पर। सो ये कंफर्म हो चुका है कि आज क्लास 10th का रिजल्ट 2 बजे CBSE रिलीज करने वाली है, आज रिजल्ट आने वाला है मेरा 2 बजे। गाइस फाइनली मैं नहाकर रेडी हो गया हूँ और अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, सिर्फ 1 घंटा बाकी है रिजल्ट को आने में और बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, रिजल्ट कैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। सिर्फ 60 मिनट्स रह गए रिज़ल्ट आने के लिए और अब तो मौसम भी देखो एकदम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आने वाली है। अभी तक मेरे पास पापा के 2 बार कॉल्स आ चुके हैं कि रिज़ल्ट चेक कर ले, रिज़ल्ट आ गया है। फिर मैंने उनको समझाया कि रिज़ल्ट आ गया है लेकिन 10th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो 2 बजे रिलीज़ होगा। सो गाइज अब 2 बज चुके हैं और फाइनली मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, फ़ोन से मुझे ब्लॉक करना है तो फिर मैं रिज़ल्ट चेक कैसे करूँ, अब दूसरे फ़ोन में चेक करना पड़ेगा। सो दूसरे फ़ोन में चेक कर लूँ। सो गाइज रिज़ल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे अपना एडमिट कार्ड जो मुझे 10th क्लास में मिला था, उसे लेते हैं फिर चेक करते हैं क्योंकि वहाँ पर सारी जो डिटेल्स है वो डालनी पड़ती है ना। सो एडमिट कार्ड मैंने ले लिया है, अब चलते हैं और अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं दूसरे फ़ोन में। सो इस फ़ोन की मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका वाईफाई को स्क्रीन रिकॉर्ड से मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, इससे मैं ओप्पो से कनेक्ट करूँगा। सो कनेक्ट हो चुका है, अब देखते हैं, पहले गूगल ओपन करते हैं, खोलते हैं CBSE की वेबसाइट। इसे सर्च कर लेते हैं, इसे फर्स्ट लिंक पर ही हम क्लिक करेंगे। रिजल्ट 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 रिजल्ट, यहाँ पर 3 लिंक हैं, किसी पर भी क्लिक कर दो क्या फर्क पड़ता है। पर क्लिक कर देते हैं, अभी थोड़ा ये टाइम लेगा। सो अब आ चुका है यहाँ पर, मैं अपनी सारी डिटेल्स डालता हूँ और देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आया है। यहाँ पर मुझे सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी,
सो मैं अपने एडमिट कार्ड में से सारी डिटेल्स फिल करता हूँ अभी। सो सारी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं, लेकिन शायद मैंने कुछ गलत डाल दिया है। कोई इसे बैक करते हैं और एक बार दोबारा से लॉगिन करते हैं। एक बार दोबारा से डालते हैं सारी डिटेल्स, इसे बैक करते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दोबारा से सीबीएसई की साइट पर जाते हैं। तो ये आ चुका है मेरा रिजल्ट, आप देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा रिजल्ट आ चुका है और मेरे जो नंबर है वो बहुत अच्छा है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और जो मेरे रिजल्ट के स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने व्हाट्सएप पर अपने सारे रिलेटिव्स को भेज दिए हैं, और रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया है, ये देख सकते हो आप। फाइनली रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट इतना अच्छा है ना यार, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन से नहीं थी कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। ये तो घबराहट हो रही थी यार, क्या होगा रिजल्ट का, क्या होगा, लेकिन रिजल्ट फिर भी बढ़िया आ गया यार, मतलब मैं तो डर गया था। तो रिजल्ट तो हमने देख लिया है, अब हम लंच करते हैं, बिकॉज बहुत देर से मैंने लंच नहीं किया है, और फ़ोन भी अब डिस्चार्ज हो चुका है पूरा, सुबह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इसे चार्जिंग पर लगाते हैं, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मेरा रिजल्ट आ गया, नंबर भी बहुत अच्छे आ गए। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मम्मी आज रिजल्ट आने वाला है मेरा, मैं क्या करूँ और बताओ।